मायके के घेवर। सुष्मिता शादी के बाद अपने ससुराल पहुंच गई थी। क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी, इसलिए घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता था। कभी मौसी सास तो कभी मामी सास, कभी सासू माँ के मायके वाले तो कभी अड़ोस पड़ोस वाले, कोई ना कोई घर में नई दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आता जाता रहता। और जैसे कि आप लोग जानती हैं, हिंदुस्तान में कोई मेहमान आए और साथ में मिठाई का डब्बा ना लाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जुलाई का महीना शुरू हो गया था और मिठाई की दुकानों पर घेवर सज चुके थे। बहू, आज हमारे मित्र आने वाले हैं, नाश्ता तो घर में होगा ही, और मिठाई भी लाकर मैंने रख दी है मेहमानों के सामने, नाश्ते के साथ साथ मीठा भी रख देना। ठीक है बाबूजी, लेकिन आप मिठाई में क्या लेकर आए हैं? मिठाई का नाम सुनकर ना मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मिठाई ना कमजोरी है मेरी। अरे बेटा, अब सावन का महीना लग गया है, दुकानें घेवर से लदी पड़ी है, तो हमने सोचा चलो घेवर ही ले चलते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया बाबूजी। आपको पता है मेरे मायके में तो सावन के महीने में हर चौथे दिन घेवर का डब्बा आ जाता है। अरे कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम लोग घेवर ना खाएं। मेरे पापा कहते हैं 2 महीने की मिठाई है घेवर, इसलिए ज़रूर खाना चाहिए। हाँ भाई, बात तो सही है, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हें घेवर इतना पसंद है। अरे बेटा, तुम्हें जो भी खाने पीने की इच्छा हो हमें बता दिया करो, हम ला देंगे। तुमने बताया होता तो हम ला दिए होते ना। चलो मेहमानों का छोड़ा, वो तो जब आएंगे तब आएंगे, अभी फ़िलहाल तुम घेवर खाकर बताओ कैसा, ठीक बना है या नहीं। ससुर जी की बात सुनकर सुष्मिता जल्दी जल्दी घेवर का डब्बा खोलती है और एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है। बुरा मत मानिएगा पापा जी, वैसे तो ठीक ही है, लेकिन इसमें ना वो स्वाद नहीं है जो मेरे पापा लेकर आते थे। मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरे मायके में ना सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट घेवर मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने तो कभी ढंग का घेवर खाया ही नहीं होगा। हाँ बेटा, हमारे यहाँ तो ऐसा ही मिलता है, हम तो यही खाते आ रहे हैं हमेशा से। मतलब हमें समझ में नहीं आया इस घेवर में खराबी क्या है। अरे बाबूजी, जब तक अच्छी चीज़ खाओ नहीं ना, तब तक डिफरेंस समझ में नहीं आता। आप एक बार खा कर देखिए, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि आखिर मैं अपने मायके के घेवर की इतनी तारीफ क्यों करी हूँ। अरे इतना ही बढ़िया घेवर मिलता है तेरे मायके में, तो मंगवा क्यों नहीं लेती 2-4 किलो? बोल दे अपने भाई से कि 2-4 किलो घेवर लेकर दे जाएगा, हम भी खा कर देख ले कि आखिर ऐसी भी क्या खास बात है तेरे मायके के घेवर में, जो तुझे यहाँ का घेवर फूटी आँख नहीं सुहा रहा। हाँ मम्मी जी, आप एकदम ठीक कह रही हैं, मैं अपने भैया को फ़ोन कर देती हूँ, वो हमारे यहाँ का स्पेशल घेवर लेकर दे जाएंगे। आप लोग एक बार खाएंगे ना तो उंगली चाटते रह जाएंगे। सुष्मिता अपने भाई से फ़ोन पर कहती है, अरे भैया आपको पता है मेरी शादी क्या हो गई, मैं तो अपने ससुराल में आकर घेवर खाने को तरस गई हूँ। घेवर कौन सी 2-4 लाख में मिलने वाली चीज़ है जिसे खाने के लिए तू तरस गई? अरे बोल देना जीजा जी को ले आएंगे मार्केट से, कौन सा बहुत महंगा आता है घेवर। अब इतने गरीब भी नहीं है तेरे ससुराल वाले कि हमारी बहन को घेवर लाकर ना खिला सके। अरे भैया आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे, मैं यहाँ पर आकर घेवर खाने के लिए इसलिए तरस गई हूँ क्योंकि यहाँ पर ढंग का घेवर मिलता ही नहीं है। वैसे तो लाने को पापा जी 2 बार ला चुके हैं, लेकिन यहाँ के घेवर में ना टेस्ट ही नहीं है। वो जो आप लाते थे ना, वो जालीदार घेवर और उसके ऊपर मावे की परत, काजू और बादाम ऊपर चिपके रहते थे। ओए होए होए, मेरा तो बोलते हुए मुंह में पानी आ गया, इतना रसीला घेवर होता था ना मायके का कि क्या बताऊँ। पापा जी तो कल ही घेवर लेकर आए थे, मैंने बोल दिया आप लोगों के घेवर में तो स्वाद ही नहीं है, घेवर खाना हो तो मेरे मायके का खा कर देखो। बस फिर मम्मी जी कहने लगी, हमें भी दिखा दो भाई अपने मायके का घेवर, हम भी तो देखे ऐसी क्या खास बात है जो तुम इतनी दीवानी हुई जा रही हो। देख बहना, अब तेरी शादी हो गई है, ससुराल में मिलने वाली चीज़ों को खाने की आदत डाल ले, और ऐसे ही बात बात में मायके करके कंपैरिजन करेगी ना तो ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा। अब तू ही बता कि ये कोई अच्छी बात है कि तू वहाँ की मिठाइयों का भी यहाँ से कंपैरिजन कर रही है? कहीं तेरी सासू माँ इस बात पर गुस्सा तो नहीं हो गई? अरे नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो, मेरे सास ससुर ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है, हमारे परिवार जैसा ही माहौल है मेरे ससुराल का। बस वो तो सच में हमारे मायके वाला घेवर चखना चाहते हैं, इसलिए कहा कि अपने भैया से कहकर 2-4 किलो घेवर मंगवा लो। अच्छा चल ठीक है, मैं दे जाऊँगा। फ़ोन रखने के बाद भैया भाभी से कहता है, ये लो, इस लड़की के अंदर ज़रा सा भी दिमाग नहीं है, अरे पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या? उसकी सास ने भी 1.5 किलो नहीं सीधा 4 किलो घेवर मंगवा लिया, अब मैं 4 किलो घेवर खरीद कर उसके घर देकर आऊँ कि सुष्मिता अब ना
जरा सा भी दिमाग नहीं लगाती और फंसा देती हमें। बहन की ससुराल से आई हुई डिमांड को मना करने का तो कोई मतलब था ही नहीं, इसलिए सुष्मिता का भाई मोहित अगले ही दिन 4 किलो घेवर खरीद कर बहन के ससुराल दे आता है। 2 दिन के बाद सुष्मिता की बुआ सास बहू से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाती है। अरे भाभी, शादी में तो इतनी भीड़ भाड़ थी कि हम तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही निकल गए। हमने सोचा भाई बहू की मुँह दिखाई तो करनी है, फिर आ जाएंगी, हमारे भैया का घर है, उसमें ऐसी कौन सी बात है। अरे बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने, उस समय भीड़ भाड़ में कौन आया कौन गया किसने क्या दिया कुछ होश ही नहीं था हमको तो। आपने बिल्कुल ठीक किया, अब आप फुर्सत से आइए ना, आराम से बैठकर बातें करेंगे। बहू से भी मिल लीजिए आप, मैं तो कह रही हूँ आई है तो 1-2 दिन रुक कर ही जाना। हाँ भाभी क्यों नहीं। अच्छा सुष्मिता बहू, ये लो बेटा मिठाई है, डिब्बा खोल के निकालो प्लेट में और सबका मुँह मीठा करा दो। अरे बुआ जी, आप भी घेवर ही लेकर आई हैं क्या? हाँ भाई, लिया तो घेवर ही है। क्या बात है, तुमको पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं बुआ जी, हमारा तो फेवरेट है घेवर। लेकिन आपको एक बात बताया है, यहाँ का घेवर ना हमको पसंद नहीं आता। घेवर तो मेरे मायके में मिलता है, क्या टेस्ट है। अब मम्मी जी से पूछ लो यहाँ के घेवर में और वहाँ के घेवर में कितना अंतर है। अच्छा सच में भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे मायके में इतना स्पेशल घेवर भी मिला करता है, वरना हम मंगा लेते 1-2 किलो। अरे जी जी क्यों चिंता करती हैं, बहू अभी अपने भाई को फ़ोन कर देगी। अभी तो आप 1-2 दिन और है ना, वो कल सुबह में दे जाएगा, आप चिंता मत करो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी भैया को फ़ोन कर देती हूँ। सुष्मिता एक बार फिर से फ़ोन करके अपने भाई को 1 किलो घेवर पहुंचाने के लिए कह देती है। इसी तरह से लगभग हर दूसरे दिन कोई ना कोई मेहमान आता और फिर उसके सामने सुष्मिता अपने मायके के घेवर की बड़ा चढ़ा कर तारीफ करती, जिससे चिढ़कर सुष्मिता की सास उसे मायके से घेवर मंगवाने के लिए कह देती। रोज रोज कभी 1 किलो कभी 2 किलो घेवर बहन के ससुराल पहुँचाते पहुँचाते अब उसका भाई मोहित बिल्कुल परेशान हो चुका था। अरे ये लड़की एकदम दिमाग से पैदल है क्या, इसको समझ में नहीं आता रोज रोज घेवर खरीद खरीद कर लाने में मेरे पैसे खर्च हो रहे। अरे चलो ठीक है, इसके ससुराल वालों को खाने की इच्छा थी तो मैंने ले जाकर पहुंचा दिया, अब उनके पूरे खानदान की जिम्मेदारी उठाऊंगा क्या मैं। रोज रोज बेशर्मों की तरह फोन कर देती है, घेवर लाकर खिला दो। अरे कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है इन लोगों के अंदर। मेरी क्या घेवर की दुकान है यहाँ पर कि मैं रोज रोज घेवर खिलाता रहूंगा। अब पानी सर से ऊपर बह रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं है। हालांकि मोहित को रोज़ रोज़ बहन के ससुराल ऐसे घेवर सप्लाई करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी रिश्तेदारी में बंधे होने के कारण वो बेचारा बेमन से ही सही लेकिन घेवर के डब्बे सप्लाई करने में लगा हुआ था। एक दिन, अरे सुष्मिता भाभी, आप तो कह रही हो कि आपने ये मिठाई अपने मायके से मंगवाई है, लेकिन इस डब्बे पर तो टीटू हलवाई का नाम लिखा है और एड्रेस वाली जगह किसी ने मार्कर से गायब कर रखी है। मैं तो अच्छे से जानता हूँ, टीटू हलवाई तो मेरे दोस्त की दुकान है। ये कोई आपके मायके की दुकान नहीं है, ये तो यहीं सर्वोदय नगर में है। कहाँ आपका मायका, कहाँ सर्वोदय नगर, ये क्या चक्कर चल रहा है? जीजा जी, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मिठाई के डब्बे पर कौन से हलवाई का नाम लिखा है। वो तो आज आपने कहा तो मैं भी गौर कर रही हूँ। आप अभी ठहरिए, मैं भैया को फ़ोन लगा कर पूछती हूँ उन्होंने ये मिठाई कहाँ से खरीदी है। सुष्मिता अपने भाई को फ़ोन लगाती है। अरे भैया, मैंने आपसे घेवर का डब्बा मंगवाया था ना, ये मिठाई आपने सर्वोदय नगर वाले टीटू हलवाई से खरीदी है क्या? क्यों, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? अरे भैया, ये सर्वोदय नगर वाला घेवर थोड़ी ना मंगवाया था मैंने। मैंने आपसे कहा था ना, अपने घर पर जो आप घेवर लाते थे वो वाला लेकर आना। अरे तो मैं अपने घर पर भी तो यही सर्वोदय नगर वाला घेवर ही तो लेकर जाता हूँ, हमारे घर के पास कोई ढंग का हलवाई है ही नहीं जो घेवर बनाएगा। लो, जब यहीं से खरीद कर खाना था तो हम ही जाकर खरीद लाते। अरे बिना बात बहू तूने अपने भाई को परेशान कर दिया, वो बेचारा महीने भर से रोज घेवर खरीद खरीद कर देकर जा रहा है, इतना खर्चा हो गया उसका वो अलग। रहने दीजिए बाबूजी, कोई खर्चा नहीं हुआ उसके भाई का, हर बार दुकान पर जाने के बाद फोन कर देता था, जीजा जी मेरे फोन में जीपे काम नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा बिल पेमेंट कर दोगे क्या? मन पर कोई बोझ रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जितनी भी मिठाइयाँ खाई है ना हम सबने, उसका बिल पेमेंट मैंने ही किया है। निशांत की बात सुनकर घर में सभी लोग हंसने लगते हैं और बेचारी सुष्मिता शर्म से पानी पानी हो जाती है।
मेधा शुरू से ही पढ़ने में होशियार और मेधावी छात्रा थी। अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छा कॉलेज सिलेक्शन और फिर बहुत अच्छी जॉब। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया मेधा। अरे लेकिन ये जो काम करने का तरीका है ना, इसे बदल ले। 18 घंटे काम करेगी तो कल को बच्चा कैसे संभालेगी? तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ माँ, जो बच्चे और परिवार में फंस जाऊँ। मैं तो जिंदगी खुल कर जीऊंगी। सब कहने की बात होती है बेटा, अपने बच्चे का सुख हर कोई चाहता है। वक्त बीतता है और मेधा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों में ही मेधा एक सुंदर से बेटे की माँ बन जाती है। अरे यार, मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो रही है, क्या करे? माँ भी नहीं आ सकती, कैसे मैनेज करूँ? ऐसा करते हैं, इसके लिए एक केयर टेकर रख लेते हैं, वो देखा करेगी इसे। मेधा को पति की बात जंच जाती है और वो केयर टेकर की तलाश शुरू कर देती है। एक दिन उन लोगों के घर एक महिला आती है जो दिखने में पढ़ी लिखी लगती है। जी क्या काम है आपको? मैम मेरा नाम स्नेहा है, आपका एड देखा केयर टेकर का, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप तो अच्छे घर की लगती हैं, फिर नौकरी क्यों? दरअसल मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती और माता पिता भी नहीं है इस दुनिया में तो। अरे अरे कोई बात नहीं, तुम लक्ष्य को ही अपना बच्चा समझो और यहीं रहना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। नेहा खुशी खुशी लक्ष्य को संभालने लगती है। रात को जब मेधा घर पर आती है, अरे क्या बात है स्नेहा, तुमने खाना नहीं खाया क्या? अरे दीदी आपका बेटा टाइम दे तब ना। अरे तो जब वो सोता है तब खा लिया करो। तब तो मैं इसके पास ही बैठी रहती हूँ, कोई मच्छर या कीड़ा काट ले लक्ष्य को तो अब आप पकड़ो, मैं खाना खा लेती हूँ। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही है ये लक्ष्य का, मेधा इतना तो शायद तुम भी ध्यान नहीं देती। मेधा को पति की बात बुरी तो लगती है लेकिन कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे स्नेहा मेधा और उसके पति के साथ बाहर भी जाने लगी। सुनो स्नेहा को भी बाजार ले चलते हैं, वो क्या है ना लक्ष्य को देख लेगी जब तक मैं शॉपिंग कर लूंगी। हाँ हाँ चलो, वैसे मैं चाह रहा था कि लक्ष्य को लेकर हम दोनों ही चलते। क्या यार तुम तो फ्री में इमोशनल हो जाते हो, कितना देख लेंगे हम दोनों मिलकर, ले चलो उसे। कार से निकलकर मेधा और लक्ष्य रोड क्रॉस कर रहे थे कि सामने से कार आ जाती है। मेधा का ध्यान नहीं होता लेकिन स्नेहा तुरंत लक्ष्य को मेधा से छीन लेती है। मेधा गिर जाती है और कार मेधा को छूकर निकलती है जिससे मेधा को खून आ जाता है। पति मेधा को हाथ देकर उठाता है, स्नेहा लक्ष्य को लेकर गले लगाई रहती है। थैंक्स स्नेहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि कार आ रही है। स्नेहा का गुस्सा मालकिन पर टूट पड़ता है। अरे कैसी माँ है आप, अगर आज कुछ लक्ष्य को हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती, छोटा सा बच्चा है, उसे चोट लगती है तो पता है कितनी तकलीफ होती है। पति भी स्नेहा को देखने लगता है कि उसे क्या हो गया। मेधा को स्नेहा पर काफी गुस्सा आ जाता है। घर आकर कहती है, देखो स्नेहा माना तुम लक्ष्य को बहुत प्यार करती हो लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं कभी जानबूझकर उसके साथ बुरा नहीं कर सकती, समझी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लक्ष्य को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुकी हूँ, मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा ना हो। मेधा का मन स्नेहा से अब हटने लगा था। एक शाम मेधा ऑफिस से घर आती है कि लक्ष्य उसे दिखाई नहीं देता और ना ही स्नेहा। वो स्नेहा के कमरे में जाती है जहाँ दोनों सो रहे होते हैं। अरे स्नेहा लक्ष्य को आज इस कमरे में क्यों सुला दिया? दीदी मुझे नींद आ रही थी, ऐसे में उसे कमरे में अकेले लिटाना मुझे ठीक नहीं लगा। मेधा बच्चा उठाने लगती है कि स्नेहा टोक देती है। रहने दीजिए ना दीदी, सो रहा है, फालतू में नींद खराब हो जाएगी। मेधा को गुस्सा आ जाता है और वो बच्चा उठाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेधा स्नेहा को बुलाती है, साथ में एक और लड़की खड़ी होती है। स्नेहा अब तुम अपना कुछ और देख लो, हम लोगों को नई केयर टेकर मिल गई है, तुम इस हफ्ते घर छोड़ देना। स्नेहा का मन लक्ष्य को छोड़ने का नहीं करता लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है ना। स्नेहा घर से चली जाती है। धीरे धीरे महीने और साल बीतते जाते हैं और लक्ष्य एक नौजवान लड़का हो जाता है। लक्ष्य आज मुझे मंदिर जाना है, ले चलोगे? ठीक है माँ, एक काम करके अभी वापस आता हूँ, तब तक आप और पापा दोनों तैयार हो जाइए। दोनों तैयार होकर बैठ जाते हैं लेकिन लक्ष्य काफी देर तक नहीं आता। अरे मेधा फोन तो करो लक्ष्य को, देखो क्या हो गया उसे। मेधा फोन करती है तो पता चलता है कि लक्ष्य का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी अस्पताल में है। जल्दी चलिए, पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। अरे चिंता ना करो, सब ठीक होगा, मैं अभी कार निकालता हूँ। दोनों मियाँ बीवी अस्पताल पहुँचते हैं जहाँ वो लोग देखते हैं कि लक्ष्य बिस्तर पर पड़ा होता है। एक महिला इन्हें यहाँ लेकर आई है, वो वहाँ बैठी है, लेकिन फिलहाल तो आप लोगों को इनके लिए किडनी का प्रबंध करना होगा, एक्सीडेंट में इसकी किडनी डैमेज हो गई है। मेरे ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए।
नहीं नहीं, आप माँ हैं, आपकी नहीं ले सकते, पिता की भी नहीं। आप किसी रिलेटिव या दोस्त से पता कर लें, और हाँ थोड़ा जल्दी करें क्योंकि देर होने से मामला बिगड़ सकता है। मैधा बैठकर रोने लगती है कि वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। जिस औरत ने आपके बेटे को यहाँ भर्ती कराया था, वो अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती है। हा? कौन है वो, कहाँ है वो? तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है। स्नेहा तुम? मैं लक्ष्य को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन आप लोगों को देखकर समझ गई कि ये लक्ष्य है, इसलिए वापस आ गई। मैं अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती हूँ। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं, लेकिन लक्ष्य में मैंने हमेशा अपना बच्चा देखा। तुम धन्य हो स्नेहा, जो इतने साल में भी लक्ष्य को भूल नहीं पाई। सही मामले में तो वो तुम्हारा ही बच्चा होगा, क्योंकि जन्म भले ही मैंने दिया हो, लेकिन आज तुम उसकी जिंदगी बचा रही हो।